जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको एक घर का नक्शा बनाकर बताएंगे कि आप किस प्रकार अपने घर का नक्शा बना सकते हैं। यहाँ हम जो नक्शा बनाएंगे उसमें एक लेआउट बनाएंगे और डायमेंशंस या लंबाई चौड़ाई का माप नहीं लेंगे, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। दूसरा, हम यहाँ जिन दिशाओं की बात करेंगे उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया है, तो इस वीडियो में उस पर कोई बात नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम एक भूखंड यानी प्लाट को सबसे पहले 9-3-3 करके तीन लाइन में एक समान और वर्गाकार खानों में बांट देंगे। हम शुरू करते हैं पूर्व या ईस्ट से, क्योंकि संभव है अधिकतर लोगों के घरों का मुख्य दरवाजा इधर ही हो, तो पूर्व की ओर आपके घर का मेन गेट हो या प्लाट का, वो सामने की लाइन में ही आना चाहिए। दोस्तों, इसी लाइन में दाईं ओर के कोने पर आग्नेय कोण है, तो यहाँ रसोई के लिए जगह बना लीजिए। इसी लाइन में बाएं हाथ पर ईशान कोण है, यहाँ भी आप दरवाजा रख सकते हैं या बैठक या खुला बरांडा या पोर्टिको या सबसे बढ़िया पूजा रूम रख सकते हैं। इसी लाइन के बीचों बीच वाले खाने को आप स्टोर या जगह नहीं होने पर पूजा रूम या बाथरूम बना सकते हैं। तो आपको इतना पता चला कि ईशान और आग्नेय कोण में क्या होगा और मुख्य पूर्व दिशा की लाइन में क्या होगा। अब अगली यानी कि बीच की लाइन की बात करते हैं। इसमें बाएं हाथ पर आप यानी कि उत्तर की ओर, जो कि कुबेर की दिशा है, उसे पैसे रखने की तिजोरी या योग और ध्यान का रूम या बैठक जैसा कमरा भी रख सकते हैं। इस लाइन का बीच का भाग सारे घर का भी मध्य भाग है और यही ब्रह्म स्थान है, तो यह खाली रहेगा। यहाँ आप कुछ नहीं बना सकते हैं। यहाँ कोई भी पक्का निर्माण या भारी फर्नीचर वास्तु दोष को जन्म देते हैं। इसके बाद दाएं हाथ पर यानी दक्षिण पर आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं, आपके यार्ड में जाने का गलियारा बना सकते हैं और बेडरूम बना सकते हैं। इस प्रकार दाएं हाथ वाली खड़ी लाइन के बीचों बीच पर तीन तरह के निर्माण कर सकते हैं, सीढ़ियाँ, यार्ड में जाने का गलियारा और बेडरूम, जो भी आपको सही लगे। आखिर की लाइन के बाएं कोने पर यानी वायव्य में आप अन्न भंडार, बेटियों के सोने का रूम या साधारण बेडरूम भी बना सकते हैं। यहाँ आप अपने मेहमानों को भी रुकवा सकते हैं। इसी लाइन के बीच वाले कमरे को आप डाइनिंग हॉल या बेडरूम या दोनों साइड के बेडरूम के लिए टॉयलेट्स और बाथरूम्स बना सकते हैं। इसी लाइन के दाएं हाथ यानी दक्षिण वाले कोने पर आप मास्टर बेडरूम, जिसमें घर के मुखिया का सोने का रूम हो, वो बना सकते हैं, जो कि नैऋत्य कोण है। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। किसी अगले वीडियो में हम आपको सीढ़ियों की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस वीडियो के अगले भाग में बताएंगे कि आपके नाम और जन्म तिथि के अनुसार आपके लिए कौन सी दिशा का मुख्य द्वार शुभ हो सकता है। आज का वीडियो आपके लिए ब्लूप्रिंट है। किसी भी घर का वास्तु सही करने और चेक करने का लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपसे अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, राधे राधे कहिए और आनंद में रहिए।